नमस्कार, मैं हूं पवन और अब वक्त हो चला है NIN का स्पेशल प्रोग्राम 925 की तरफ रुख करने का। तो करते हैं शुरुआत दिन की 25 बड़ी खबरें 925 में नॉनस्टॉप अंदाज के साथ। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर सरकार में नतमस्तक, अब तक कोरोना के कुल मामलों का आंकड़ा हुआ 32 लाख के पार। अपने पिता लालू यादव से मिलने रांची पहुंच रहे हैं तेज प्रताप, बिहार चुनाव पर हो सकती है चर्चा। दिल्ली पुलिस ने संसद के बाहर पकड़ा एक शख्स, दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट भी है जारी। समान ज्ञान प्रतियोगिता के सारे नई पीढ़ी को अपने काम बताएगी कांग्रेस, पुरस्कृत भी होंगे विजेता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार को लिखा पत्र, जी और नीट की परीक्षा स्थगित करने की लगाई गुहार। पोल खोल अभियान की अनुमति नहीं मिलने पर कांग्रेस नेता जा रहे हैं ग्वालियर, कहा जिसमें दम हो हमें रोककर दिखाए। केजरीवाल ने दिया बड़ा बयान, कहा दिल्ली को हर हाल में बनाकर रहेंगे हांगकांग की तरह। राजस्थान सियासी घटनाक्रम पर 3 सदस्यीय कमेटी का मंथन, कांग्रेस के बार रूम में पहली बैठक। संबित पात्रा ने राहुल गांधी की तुलना राशि से की और कांग्रेस को बताया खाली कुकर। जीएसटी और जी नीट की परीक्षा मुद्दे पर सोनिया की होगी बैठक, लेकिन नहीं शामिल होंगे उद्धव ठाकरे। राहुल, प्रियंका गांधी या फिर कोई और, जनवरी में कांग्रेस कर सकती है अपने नए अध्यक्ष का चुनाव। शशि थरूर विवाद के बाद स्पीकर ने संसदीय समिति को लिखा पत्र, निर्देश 55 की दिलाई याद। कपिल सिब्बल ने किया नया ट्वीट, कहा सिद्धांतों की लड़ाई में समर्थन का इंतजाम करना पड़ता है। कांग्रेस के जारी घमासान के बीच राहुल के आरोपों से बड़े नेता हुए नाराज, मनाने में जुटी सोनिया गांधी। बीजेपी एमएलए ने भरी सभा में सांसद रेखा वर्मा को बोला भौजाई, बाद में मिला करारा जवाब। कांग्रेस में बड़ा संतोष, दिग्विजय ने कहा पर्दे के पीछे से राहुल करते थे पार्टी को नियंत्रित। पीएम केयर्स फंड पर बुरे फंसे मोदी, पीएम केयर्स फंड पर लगी आरटीआई का पीएमओ ने नहीं दिया जवाब। जबलपुर पहुंचे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, कहा सीडब्ल्यूसी के सदस्यों को नहीं लिखनी थी चिट्ठी। गुजरात के बाद जम्मू में पड़ी बाढ़ की मार, कई जिलों में मचा हाहाकार। भूपेंद्र यादव का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस के नेता नहीं बल्कि भारतीय जनता ही भाजपा से मिली हुई है। आरबीआई को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना, कहा ध्यान भटकाने से बचे सरकार। दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को वीवीआईपी सुविधा देने की तैयारी में आप सरकार, पत्नी को चुनाव का टिकट देगी आप सरकार। आजम खान के करीबी गुड्डू मसूद हुए गिरफ्तार, मिली कई अहम सूचनाएं। आधी रात में बकरी के साथ रेप कर रहा था मोदी नाम का शख्स, गांव वालों ने रंगे हाथों पकड़ा और फिर जमकर पीटा। आज के नॉनस्टॉप पार्क में बस इतना ही, तब तक के लिए NIN पर खबरों का सिलसिला लगातार यही जारी है। आप बने रहिए नेशनल इंडिया न्यूज के साथ, मेरा नाम पवन है और आप NIN का स्पेशल शो नॉनस्टॉप 25 देख रहे थे। शुभरात्रि।